hey everyone here i am again in front of you all with a new lesson from your class 9th textbook okay so the lesson name is uh, before going to the lesson let's go through the unit so the unit name is actually you can say awareness about health okay so sabse badi baat हम अवेयरनेस की मीनिंग जान लेते हैं एंड व्हाट इज़ हेल्थ अवेयरनेस मींस जागरूकता एंड हेल्थ मतलब स्वास्थ्य द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज यर व्हाट इज हेल्थ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस सो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है किस लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इट इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड नॉट मेरली द एबसेंस ऑफ डिसीजेज एंड इन्फॉर्मिटी अगर हिंदी में इस चीज़ को जानें तो इट इज़ ऑल अबाउट योर फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग राइट यहाँ पर आपके तीनों या चारों तरीक़ों से हम कह सकते हैं आपके वेल well बींग की बात हो रही है आपके फ़िज़िकल हेल्थ की भी बात हो रही है आपके मेंटल हेल्थ की बात हो रही है और साथ ही साथ सोशल वेलबींग well की यानी सामाजिक वेलबींग well की भी बात हो रही है और ये केवल जो है डिसीज़ से मुक्त कराना नहीं कहता है, है ना कि किसी भी सोसाइटी को और अ पर्सन अगर उसे हम डिसीज़ से मुक्त करा ले तो द हेल्थ इज़ गुड नहीं इट इज़ मोर देन समथिंग डिसीज़ राइट ये किसी कमजोरी इनफॉर्मिटी का मतलब है कमजोरी या दुर्बलता, राइट? Right? कमजोरी, दुर्बल, दुर्बलता या फिर हम कह सकते हैं किसी बीमारी से भी बढ़कर अगर हेल्थ को समझें तो हेल्थ वो चीज है। नाउ, व्हाट इस अवेयरेंस? अवेयरेंस इज असेंशियल फॉर प्रीवेंशन, एरली डिटेक्शन, टारगेटेड थेरेपी एंड इस की टू इंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो अवेयरनेस क्या है अवेयरनेस अगर सामान्य भाषा में आसान भाषा में समझें तो अवेयरनेस इज़ ऑल अबाउट टू मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट सम थिंग टू मेकिंग पीपल नोइंग अबाउट समथिंग फॉर एग्जाम्पल जब अगर हम कोविड काल में हमने देखा है कि जब कोविड शुरू हुआ या कोविड uh, जब अपने ज़ोरों पर था तब तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो आपने देखे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टी की बात करें तो कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स आए जिसमें उन्होंने हैंड वॉश के लिए बहुत ज़ोर दिया था ऊपर से मास्क वियरिंग पर जोर दिया था सैनिटाइज़र यूज़ करने पर बहुत ज़ोर दिया था और भी कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे क्योंकि इसमें ये बताया गया था कि इफ़ द पर्सन इज़ इन्फेक्टेड फ्राम द कोविड वायरस तो उस पर्सन से किस तरीके से डिस्टेंस मेनटेन करना है उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है एज अ पर्सन इज फ्राम योर फैमिली और फ्रॉम योर सोसाइटी तो उससे किस तरीके से बिहेव करना है दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्थ अवेयरनेस राइट नाउ अब सबसे बड़ी बात आती है वॉट इज़ हेल्थ अवेयरनेस अवेयरनेस तो हमने जान लिया हेल्थ क्या है वो भी जान लिया अब वॉट इज़ हेल्थ अवेयरनेस तो नो हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन एड्रेसेस बिहेवरल फैक्टर सच एज द वैक्सीनेशन ऑफ फैमिलीज एंड पेट्स थॉरो हैंड वॉशिंग एंड प्रैक्टिसिंग गुड फूड हाइजीन इसका मतलब ये है कि अगर हम एक अच्छे हेल्थ अवेयरनेस की और उसके प्रमोशन की बात करें तो वो किन किन चीज़ों पर फोकस करता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वो बात करता है तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ह्यूमन बींग के वैक्सीनेशन साथ ही साथ न कि केवल ह्यूमन बींग के उनके पालतू पशुओं के भी वैक्सीनेशन की बात की जाती है हैंड वॉश की बात की जाती है एवं उसके बाद क्या बात की जाती है गुड फूड हाइजीन की भी बात की जाती है गुड फूड हाइजीन की भी बात की जाती है अब गुड फूड हाइजीन क्या है ऐसे फूड का सेवन करना या ऐसे फूड को कंज्यूम करना दैट इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ अब चलिए इस लास्ट लाइन से ही रिलेटेड हमारा जो लेसन है जिसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं और उसके नीचे एक सर्कल में ये दिखाया जा रहा है कि जो फर्स्ट पिक्चर में व्यक्ति है वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है किसी तरीके के पान गुटके मसाले का क्या कर रही उसका सेवन कर रही है या उसको कंज्यूम कर रही है दैट इज़ ऑल टबैको प्रोडक्ट वी कैन से और इसकी वजह से इस तरह के वूंड्स जो हैं उनके बॉडी में आते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट दिस कैंसर इज प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी ठीक है अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये जानते हैं कि चिविंग टबैको कंटेन थ्री थाउजेंड केमिकल्स इंक्लूडिंग सेवरल नॉन कैंसर कॉजिंग एजेंट्स एंड टॉक्सिक मिटल्स सच एज आर्सेनिक निकेल एंड कैडमियम तो अगर हम देखें तो जो टुबैको चबाते हैं तो उस टुबैको में तीन हज़ार से भी ज़्यादा केमिकल होते हैं जो कि ज़्यादातर मात्रा में कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं या जिनके कारण जो है कैंसर हो सकता है और ऐसे बहुत सारे एजेंट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं जैसे कि निकेल, कैडमियम और आर्सेनिक का नाम बताया ओके इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल कैंसर्स एंड इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स ऑफ लंग स्टमक पैंक्रियास किडनी ब्लैडर कोलोन एंड यूट्राइन सर्विस तो ये ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से कैंसर होता है बेसिकली ये सारे ओरल बॉडी पार्ट है ना आपके फेस के ऊपर के ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स हैं और इसके अलावा भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जस्ट बिकॉज ऑफ च्यूंग टू और वी कैन से टेकिंग सच काइंड ऑफ खैनी पान मसाला और दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट कैन के कॉज कैंस इट कैन कॉज कैंसर इन योर बॉडी ओके ना लॉन्ग टर्म यूज ऑफ चुविंग टैको कैन कॉज जेनेटिक डैमेज एंड सच डिफेक्ट्स में गेट पास टू द फ्यूचर जनरेशन ओके यहां पर क्या होता है अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म है ना कोई पर्सन है अगर वो लॉन्ग टर्म इस तरह के टोबैको को च्यू कर रहा है उसका सेवन कर रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है तो उसके जेनेटिक डैमेज उसमें आते हैं और उसकी आगे आने वाली जेनरेशन में भी कुछ डिफरेंट टाइप के डैमेज को देखा जा सकता है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यूज़ ऑफ चुमिंग टोबैको इज नॉट जस्ट प्रविलेंट इन विलेजेस बट इट इज़ स्प्रेडिंग टू अर्बन एरियाज एंड अमंग द एजुकेटेड विथ कन्वीनियन पैकेजिंग एंड एडवरटाइजिंग ओके यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो टबैको चिविंग है ये केवल रूरल एरियाज या विलेज में नहीं है राइट ये जो है इसके अलावा भी अर्बन एरियाज में भी बहुत ही फेमस है बहुत ही प्रचलित है और कन्वीनियंट वे में लोगों को या कंज्यूमर्स को मिल जाता है एज अ गुड विथ अ गुड पैकेजिंग एंड विद अ गुड एडवर्टाइजिंग अब आप लोगों ने एक एडवर्टाइज़ भी देखा होगा जहाँ पे आपके बॉलीवुड के कुछ महान सितारे इस पान मसाले का विज्ञापन यानी एडवरटाइजिंग कर रहे हैं हो सकता है कि कुछ ये चबाते भी हों लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये इन सब चीज़ों को नहीं करते दे। बच्चों देखिए आप सभी जो हैं एक ऐसी एज में हैं जहाँ आप वर्ल्ड को या डे टू डे लाइफ में दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोग बहुत क्यूरियस हैं चीज़ों को जानने के लिए चीज़ों को पहचानने के लिए तो यही वो एज है जब आ, जो पर्सन है वो नई नई चीजों को ट्राई करना चाहता है तो समाइम्स ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके एक्सपोजर में या उसके उनके एक्सप्लोर करने में या एड ऑन करने में एड हो जाती हैं तो इन सभी चीज़ों से जस्ट लाइक चिंग टबैको और हैविंग गुटका पान मसाला और कंज्यूमिंग अल्कोहल इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर रहिए क्योंकि ये न केवल आपके फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है लेकिन साथ ही साथ आपके मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ आपके सोशल हेल्थ को भी इफेक्ट करती है अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैम अगर हम टोबैको चबाएंगे, हम पान मसाला खाएंगे, और अगर हम एल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारा फिज़िकल हेल्थ खराब होगा राइट लेकिन इसमें हमारे मेंटल हेल्थ को और सोशल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट होता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा और ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो बेसिक पॉइंट ये है कि इन चीज़ों में निकोटीन होता है और कुछ ऐसे आ, मादक पदार्थ मिले हुए होते हैं राइट right? मादक पदार्थ मतलब ऐसे प्रोडक्ट हम कह सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा डिजीनस सा फील होगा राइट जैसे कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगा हम ऐसे सिंपल वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कुछ इस तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि आपको फॉर अ टाइम बींग जो है अच्छा महसूस करा सकते हैं जैसा कि लोग कहते हैं बट अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल हेल्थ बल्कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी यहाँ मेंटल हेल्थ का सिचुएशन और आंसर क्लियर हो चुका है कि अगर आप फिजिकली अनफिट हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के इसका स्ट्रेस जो है और ये एनजाइटी के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा और आपका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब होगा Right? अब बात आती है कि मैम ये हमारे सोशल लाइफ को या पर्सनल लाइफ को किस तरीके से खराब कर सकता है बिल्कुल सही बात है छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते होंगे अब तो खैर काफी सफाई रहने लग गई है बट अर्लियर जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो जो गुटखा चबाने वाले लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं बाहर थूकते हैं और उसके जो स्टेन्स हैं वो कई कॉर्नर पे आप देख सकते हैं तो ये जो है वो क्या कर रहे हैं सोशल प्लेस को पब्लिक प्लेस को गंदा कर रहे हैं आप स्मोकिंग करने वालों को भी देख लीजिए जब वो स्मोक करते हैं तो बिल्कुल खुद के लिए कर रहे हैं लेकिन उससे उठने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को अफ़ेक्ट करता जो लोग स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर पाते जिस जो उनसे बहुत सेंसिटिव हैं या जो उनसे बहुत परेशान हो जाते हैं वो उनके लिए बहुत तकलीफ दायक है और इसके बाद सबसे बड़ी बात आपने कई बार डे टू तो डे लाइफ में नोटिस भी किया होगा ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे जहां आपने यह पाया होगा कि ऐसे लोग या ऐसे पर्सन जो इन चीजों को कंज्यूम करते हैं इन फ्यूचर दे वर अफेक्टेड बाय कैंसर ठीक है अब ये ऐसी एक डिसीज़ है जिसमें बहुत सारा फंड लगता है लेकिन इसके बाद भी क्या होता है जो फैमिली जो है उनकी वो बहुत आ, एक ऐसे सिचुएशन से गुजरती है जहाँ पे उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस देखना पड़ता है फैमिली पर्सन को कभी कभी खोना पड़ता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सोशल हेल्थ पर तो आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है कि ये जितने अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट हैं जो बेहतरीन आपके सितारों के द्वारा एडवर्टाइज़ किए जाते हैं एक्चुअली वो उतने बेहतरीन हैं नहीं जितने जितना वो इसको दिखाते हैं एक्चुअली अगर आपको सच्चाई बताऊं तो वो केवल इससे अपनी अर्निंग कर रहे हैं ठीक है आप सीधा सीधा उनके कस्टमर बन रहे हैं तो आपकी एज जो है वो एक्सपोजर की है चीज़ों को ऑन करने की है तो ये गलत चीज़ें नहीं है बिल्कुल उन चीज़ों को ऑन करिए जो आपकी स्किल को एहैंस करे राइट आपके स्टूडेंट लाइफ और स्टूडेंट के करियर में आगे चल के जो आ, आपको एक अच्छा करियर दे सके राइट right? ऐसी कुछ चीजों को अपने लाइफ में ऑन करिए है ना क्योंकि आपकी वो एज है बट इन चीजों से आई रिक्वेस्ट बार बार मैं आपसे कह रही हूं आई रिक्वेस्ट प्लीज इन चीजों से आप दूर रहिए ओके मूविंग टूवर्ड द लेसन एंड द लेसन नी मीस यूनिट थ्री Awareness about health. Reading A India's battle to ban chewing tobacco. In September 2010, Mahadev Prasad Sharma, a potato and onion vendor from the eastern Indian state of Bihar, was diagnosed with stage 4 mouth cancer. In Mumbai, where he went for surgery, the central portion of his lower jaw was removed. Less than three years later, the cancer returned, this time as two marble sized yellowish lumps on the inside of his left cheek. When his surgeon, Pankaj Chaturvedi, told him that the only treatment was another surgery, the 57 year old man started to sob he asked for the operation to be put back a month as his daughter was studying for her computer course exams and he didn't want to give her the bad news mr sharma's cancer is caused by chewing khaini a mixture of tobacco and lime that is popular in bihar said his surgeon mr chaturvedi associate professor and head and neck surgeon at tata memorial hospital in mumbai around 14% of indian adults smoke cigarettes and beedis hand rolled cigarettes but nearly 26% use smokeless tobacco including chewing tobacco According to the Government of India and World Health Organization Global Adult Tobacco Survey of 2009 2010, approximately 85% of the oral cancer patients I treat are either smokers or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. After years of treating thousands of patients, I decided to. Take action to stop people from using a substance that is proven to cause cancer, the surgeon added. He launched a campaign called Voices of Tobacco Victims in 2008 to advocate for more stringent tobacco control in India. The campaign empowers Cancer survivors to tell their stories to influence policy makers and raise awareness among other tobacco users about the damaging effects of tobacco on health. The campaign's greatest success has been to ban the manufacture, storage, distribution, and sale of Gutka, a form of chewing tobacco commonly consumed in India. The opportunity to advocate for the Gutka ban arose with the Food Safety and Standards Act of 2011, under which the central government prohibited the use of tobacco and nicotine as ingredients in any food product. Gutka is a crushed preparation of tobacco and pan masala, a mixture of areca or betel nut, sugar, Spices and perfume. Under the FSSA, Gutka can be categorized as a food product and therefore should not contain substances injurious to health like tobacco. The implementation of the FSSA lies with the Health Ministry of each state. Voices of tobacco victims directed its efforts to have the gutka ban implemented at state legislatures and in april 2012 madhya pradesh became the first indian state to ban gutka said mr chaturvedi with the support of other doctors and cancer survivors, he launched similar campaigns and filed public interest litigations in other states and union territories. This month, Karnataka became the last Indian state to make the manufacture and sale of Gutka illegal. The ban's effect on stopping Indians from chewing tobacco is limited pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption according to mr chaturvedi india's battle to ban chewing tobacco so इस स्टोरी के या इस लेसन के स्टार्टिंग में अगर हम कहें बेसिकली दिस इज नॉट अ स्टोरी ये आपको एक्चुअल लाइफ बेस्ड सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं और एक ऐसे पर्सन के बारे में बताएंगे जो इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे राइट ओके नाउ सो इंडिया बैटल टू बैन स्विंग चिविंग टोबैको इंडिया हमारे देश का नाम है आपके देश का नाम है हम सबके देश के नाम है ओके बैटल बैटल मतलब आप जानते हैं जब युद्ध का मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं बैटल फील्ड कहते हैं right? राइट और जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं बैटल कहते हैं बैटल टू बैन चुविंग टोबैको तो भारत का एक युद्ध था कि किस तरीके से इस टबैको चिविंग को रोका जा सके बैन करना मतलब रोका जा सके और क्यों इम्पोर्टेंट था हम एक लेसन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं ओके इन सेप्टेम्बर 2010 महादेव प्रसाद शर्मा अ पटेटो एंड अनियन वेंडर फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया स्टेट ऑफ बिहार वॉज डायग्नोस्ड विथ स्टेज फोर मंथ कैंसर ओके यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन दो की बात है राइट right?

उसकी जो फाइनेंशियल स्टेट को आप एजम कर सकते हैं आप उसको एज्यूम कर सकते हैं ओके okay. तो यहाँ पे वो बिहार से रिलेट करते थे उनको डायग्नोस किया गया फोर्थ स्टेज के कैंसर में अब ये कैंसर हुआ कहाँ था हि वॉज़ फाउंड द कैंसर वॉज़ फाउंड इन साइड द माउथ ठीक है कहाँ पर मुंह के अंदर उनको कैंसर मिला था कुछ इस तरीके से वो दिख रहा था जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अब देख सकते हैं Uh, कि ये जो पिक्चर्स uh, हैं वो कितने डरावने हैं हाउ हॉरेबल दे आर तो खैर हम आगे लेसन में बढ़ते हैं इन मुंबई वेयर ही वेंट फॉर सर्जरी द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इज लोअर जो वॉज रिमूव तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो मुंबई गए और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया तो एक सर्जरी हुई जहाँ पर उनके माउथ का सेंट्रल पोर्शन ऑफ लोअर जो मतलब ये जो हिस्सा होता है लोअर जॉ ये है अपर जो ये है तो उनके जॉ का लोअर जॉ का सेंट्रल हिस्सा मतलब ये नीचे वाला पोर्शन राइट right? ये जो पोर्शन था उसको रिमूव कर दिया गया था अब आप उसको सोचिए वो किस तरीके से दिख रहे होंगे गॉड हैज़ मेड इज ब्यूटिफुल राइट Uh, God has given us uh, this beautiful gift. So it's our duty hai na, ki to keep it perfectly. उसने हमें ये जो फिज़िकल अपीरेंस इतना खूबसूरत फिज़िकल अपीरेंस दिया है सब चीज़ें जगह पर है ना नाक की जगह नाक है मुंह की जगह मुंह है कान की जगह कान है सब अपनी जगह पर है ना तो सोचिए जब गॉड ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट हमें दिया है तो इट्स आवर ड्यूटी है ना कि हम इन चीज़ों की सुरक्षा खुद करें है ना टू तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स है ना हमें उनको बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी देख करनी चाहिए और ख़ुद की देख करना बहुत बुरी बात नहीं है बिल्कुल खुद के लिए इंसान को समय निकालना चाहिए और उन चीजों की आदत डालनी चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। ओके कमिंग बैक टू द लेसन। नाउ, लेस देन ईयर लेटर। ओके, द कैंसर रिटर्न दिस टाइम एस टू मार्बल साइज येलोइश लम्स ऑन द इन साइड ऑफ हिस लेफ्ट चीक नाउ अगेन द प्रॉब्लम अराइज कि तीन साल पहले क्या हुआ था या तीन साल से कम समय के पहले एक ऑपरेशन हुआ था अब तीन साल के अंदर ही हम कह सकते हैं अगेन कैंसर उनके माउथ में अराइव हो चुका था और दिस टाइम टू मार्बल साइज मतलब ऐसे Uh, हम जिसे कहते हैं ना छाले हो जाना तो छालों से भी ज़्यादा बड़ा वो कैंसर का साइज था और उस कैंसर का जो कलर था या उस वुंड का कलर हम कह सकते हैं वो येलोइश लम्स में था राइट ऑन द इनसाइड ऑफ हिज लेफ्ट चीक लेफ्ट चीक मतलब दिस इज़ माय लेफ्ट और ये चीक मतलब होता है गाल ठीक है तो उनके लेफ्ट चीक में अंदर तरफ छालों से भी बड़े साइज में क्या हो चुका था कि दो मार्बल साइज में उनको कैंसर डिटेक्ट किया गया था माउथ में और दिस टाइम वो येलोइश लम्स में थे ओके वेन इट सर्जन पंकज चतुर्वेदी टोल्ड हेम दैट द ओनली ट्रीटमेंट वॉज अनदर सर्जरी द फिफ्टी सेवन ईयर ओल्ड मैन स्टार्टेड टू सोप सोप मतलब होता है सिसकना. Yeah, surgeon advised him for the next surgery again at this time for the person who is going through different crisis and the person who is not that much financially strong actually it is simply a big deal for him to get again a surgery uh, for him okay because it take a lot of amount because he is the only bread earner ऑफिस फैमिली है ना वो अपने परिवार के एकमात्र मतलब ब्रेड अर्नर को हम कह सकते हैं Uh, कमाने वाले थे अपने परिवार के लिए चीज़ों को जुटाने वाले थे राइट तो वो एक मात्र थे एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि अब उनको फिर से वो सारे प्रोसेस के थ्रू जाना था और इसमें फिर से उतना ही पैसा लगना था हो सकता है मच देन दैट भी लग सकता था तो यहाँ पे वो बहुत मतलब सैड हो गए थे एंड एट दैट टाइम ही स्टार्टड सोबिंग सोबिंग का मतलब होता है सिसकना ना ही एज हज डॉक्टर टू पुट बैक अ मंथ फॉर हिज ऑपरेशन मतलब उसके ऑपरेशन को क्या किया जाए एक महीना आगे खिसका सकते हैं क्या उन्होंने पूछा बिकॉज एज एज डॉटर व स्टडिंग फॉर हर कंप्यूटर कोर्स एग्जाम्स एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द बैड न्यूज़ एक्चुअली ये फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ होती है कि देर आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ सिचुएशन है ना और बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस के साथ साथ या हम कह सकते हैं अमाउंट के साथ साथ लगती हैं लोग जो हैं बुरी तरीके से इमोशनली फेलियर के थ्रू गुजरते हैं क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि जब हमारे किसी फैमिली मेंबर पर इतनी परेशानी आती हैं तो जो हमसे रिलेटेड लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली डैमेज होते हैं स्टेप बाय स्टेप है ना एक एक दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है सो इन द सेम वे ही वॉज़ जस्ट आस्किंग टू अ डॉक्टर कि सर प्लीज़ क्या ये एक महीना आगे खस सकता है बिकॉज माई डॉटर शी वॉज शी इज़ हैविंग अ एग्जाम रिसेंटली एंड this is the high time of her studying and preparing for the exam and i don't want to make her sad and uh, disturb her in her studies aur woh nahi chahte the ki woh unko disturb kare aur dukhi kar de mrs Sharma's cancer is caused by chewing खैनी Okay, तो उनका जो cancer था वो क्यों हुआ था क्योंकि वो खैनी चबाते थे तो खैनी मतलब टबैको आप लोगों ने देखा होगा पहले कई बार ये अभी भी आप रिक्शा वालों को देखते होंगे तो वो क्या करते हैं खैनी मतलब तम्बाकू को खाते हैं एंड खैनी अ मिक्सचर ऑफ टबैको एंड लाइम दैट इज़ पॉपुलर इन बिहार सेडिस सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी तो ये मिस्टर चतुर्वेदी हुोसिएट प्रोफेसर एंड हैड एंड नेक्स्ट सर्जन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई तो ये जो मिस्टर चतुर्वेदी थे ये असोसिएट प्रोफेसर थे और ये क्या चीज़ के विशेषज्ञ थे ही वॉज द स्पेशलिस्ट ऑफ यह हम कह सकते हैं ही वॉज़ हेड एंड नेक सर्जन एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल तो उन्होंने बताया कि ये जो मिस्टर शर्मा थे राइट right? uh, इनको कैंसर क्यों हुआ जस्ट बिकॉज ही चू खैनी और खैनी होती क्या है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ बैको एंड लाइम लाइम मतलब होता है चूना एंड दिस इज मोस्ट पॉपुलर थिंग इन बिहार अकॉर्डिंग टू दिस लेट हिस्ट सर्जन मिस्टर चतुर्वेदी ये उनके जो सर्जन थे मिस्टर चतुर्वेदी ने बताया था अराउंड फोर्टीन परसेंट ऑफ इंडियन अडल्ट स्मोक सिगरेट्स एंड बेडीज हैंड रोल सिगरेट्स But nearly 26% use smokeless tobacco, including chewing tobacco, according to the Government of India and World Health Organization Adult Tobacco Survey of 2000, 2010. So, Indian government ne and World Health Organization ne ek survey kiya tha, uh, in 2009 10. And according to the survey, around 14% of Indian smoke. ना इंडियन अडल्ट स्मोक सिगरेट्स एंड बीडीज राइट एंड नियरली ऑफ ऑफ पीपल और वी कैन से इंडियन यूजेस टो यहाँ पे जो फोर्टीन परसेंट ऑफ इंडियंस थे वो स्मोक कर रहे थे सर्वे में रिजल्ट आया था और दूसरी चीज जो ट्वेंटी सिक्स परसेंट लोग थे इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे टबैको चिंग कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली एटी फाइव परसेंट ऑफ द ओरल कैंसर Patients I treat are either smokers or tobacco chewers, Mr. Chaturvedi said. To Chaturvedi, yes information This whole information is giving is गिवेन बाय मिस्टर चतुर्वेदी वो सारी डिटेल्स दे रही हैं कि इंडिया में उस समय या अभी तक क्या सिनेरियो था इस टबैको चिविंग को लेकर के और स्मोकिंग को लेकर के राइट right? तो अगेन वो ऐड करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एटी फाइव परसेंट ऑफ द ओवरऑल कैंसर पेशेंट्स ही हैड हैंडल और ट्रीटेड ओके आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग थाउजेंस ऑफ पेशेंट्स आई डिसाइडेड टू टेक एक्शन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग अ सबस्टेंस दैट इज प्रूवन टू कॉज कैंसर द सर्जन एडिड तो यहाँ पर सर्जन एक चीज़ और एड करते हैं या मिस्टर चतुर्वेदी वो ऐड करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कई हज़ार लोगों के क्या किए कई हज़ार पेशेंट्स को ट्रीट किया उनको कैंसर uh, से दूर करने की कोशिश की राइट right? उनको डिसीज़ से दूर करने की कोशिश की ट्रीट किया देन लेटर ऑन ही डिसाइडेड कि कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि लोग जो है इस तरह के सब्सटेंस को कंज्यूम ही ना करें देन अगर इस तरह के सब्सटेंस को वो कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो कैंसर जैसे डिसीज़ जो हैं उसके विक्टिम जो हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज ज़रूर होगी या लोअर डाउन ज़रूर होगी फॉर दैट ही launched a कैंपेन ठीक है फॉर दैट ही लॉन्च ए कैंपेन कॉल वॉइस ऑफ टबैको विक्टम्स उन्होंने इसके लिए एक कैंपेन uh, शुरू किया जिसका नाम है Voices ऑफ Tobacco विक्टम ठीक है अब uh, कैंपेन क्या होता है अभियान होता है इसका मतलब एंड टोबैको विक्टिम टोबैको आप जानते हैं तंबाकू कहते हैं उसे एंड विक्टिम विक्टिम मतलब पीड़ित को हम कहते हैं ठीक है इन 2008 और ये कैंपेन उन्होंने कब शुरू किया था 2008 में टू एडवोकेट फॉर मोर स्ट्रिंगजेंट टोबैको कंट्रोल इन इंडिया मोर स्ट्रिंगजेंट इन मोर स्ट्रेंजेंट टोबैको कंट्रोल इन इंडिया तो यहाँ पे स्ट्रेंजेंट का मतलब सीवियर होता है या इन अ स्ट्रॉग वे कह सकते हैं जैसे हम हिंदी में कठोरता से कहते हैं और ये जो कैम्पेन था क्या एडवोकेट करता था या क्या एडवोकेट का मतलब होता है वकालत ठीक है लेकिन यहाँ एडवोकेट को अगर हम आ, इस सेंटेंस के साथ मिक्स करके अगर समझने की कोशिश करें तो दिस कैम्पेन सेस है ना या उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी न किसी तरीके से क्या किया जा सके इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं जिससे कि इंडिया में टबैको कंजम्पशन पर कंट्रोल किया जाए ओके द कैंपेन एम्पावर्स कैंसर सर्वाइवर्स to tell their stories, to influence policy makers and raise awareness among their tobacco users about the damaging effects of tobacco on health. तो सिंपल्स आफ़ वंडा था उनका डैट जैसे कि आप नाम देख रहे हैं इस कैम्पेन का the voices of tobacco victims, right? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो ऑलरेडी विक्टिम्स हैं उनकी आवाज़ को सामने लाया जाएगा and they will self Tell their stories how they have gone through different situations, and what are the situations they faced, as well as what are the crucial things their family has to suffer their family has to face during that period, and how their family suffer. ड्यूरिंग दैट पीरियड ये सारी चीज़ें वो कौन बताएंगे? वो विक्टम्स ही बताएंगे और दूसरी चीज़ ये थी कि इस वजह से क्या होगा एक अवेयरनेस प्रोग्राम आएगा ये लोगों के बीच अवेयरनेस आएंगी जिससे कि लोगों को उन टबैको के थ्रू कौन कौन से डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिलेगी और हो सकता है इन फ्यूचर ये जो टोबैको कंजन है वो कहीं ना कहीं जो कंट्रोल में आए या स्लो डाउन हो जाए बट द बैन हैज ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टबेको हैज कॉस्ट अंटिल इट वॉज बैंड गुटका वॉज मार्केटेड एज अ माउथ फ्रेशनर टू टारगेट यूथ ही एडेड इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र the ban on gutka has been more effective than in other states because the manufacture and sale of pan masala has also been prohibited since july 2012 in maharashtra manufacturing units of gutka and pan masala have been closed and the state government has seized 16 crore rupees 2.9 million dollar worth of tobacco products more than all other states combined said Mahesh Zagade commissioner of the food and drug administration in maharashtra there are no figures for the decrease in consumption yet but the general perception is that consumption of gutka and pan masala has significantly decreased he said However, boundaries between Indian states are porous, and pan masala that is manufactured in other states can illegally be brought into Maharashtra. Mr. Zagade added, "The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on pan masala." this is because it is banned under a different section of the fssa than the one that bans gutka pan masala has addictive and carcinogenic properties itself but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level the food commissioner needs to demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level the state ban on pan masala is up for renewal on july 19 many children are as young as 12 when first exposed to gutka and pan masala they don't even know what cancer is and by the time they realize it is bad for their health they can't stop said mr chaturvedi once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible, he added. Patients stream into his clinic, their faces disfigured and stitches running from their lips to necks. Many have had part or all of the tongue removed and can barely speak. Pradeep Kumar Sharma, a 52 year old, Coal field worker from Madhya Pradesh has been consuming liquids through a tube in his nose since March. A patch of flesh, the size of a golf ball, was removed from his thigh to replace cancerous cells in his cheek. He is in a lot of pain, but his children and I are in even more pain. They used to beg him not to chew gutka. But he never listened, said his wife Durga Sharma.